7 अक्टूबर तक कस्टडी में दिया गया है आर्यन समेत 8 आरोपियों को 7 अक्टूबर तक कस्टडी। बड़ी खबर है, आर्यन के दोस्त श्रेयस नायर को एनसीबी ने किया गिरफ्तार। आर्यन खान के फोन से मिली थी आपत्तिजनक तस्वीरें, ड्रग्स के लिए संदिग्ध ट्रांजैक्शन हुए थे, एनसीबी ने यह बात कही है। बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, आर्यन खान की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि 7 अक्टूबर तक कस्टडी में रहेंगे आर्यन खान। आर्यन समेत 8 आरोपियों को 7 अक्टूबर तक कस्टडी में भेजा गया एनसीबी के। आर्यन के दोस्त श्रेयस नायर को एनसीबी ने किया गिरफ्तार और आर्यन खान के फोन से मिले थे आपत्तिजनक तस्वीरें, ड्रग्स के लिए संदिग्ध ट्रांजैक्शन की भी पुख्ता जानकारी मिली है एनसीबी को। एनसीबी ने कोर्ट में आज दरख्वास्त की थी कि अभी पूछताछ पूरी नहीं हो पाई, ऐसे में कस्टडी चाहिए, और फिलहाल कोर्ट की तरफ से कस्टडी बढ़ा दी गई है। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि 7 अक्टूबर तक आर्यन खान अब कस्टडी में रहेंगे, उनसे पूछताछ की जाएगी, जो दोस्त उनके गिरफ्तार हुए हैं उनके साथ भी पूछताछ की जाएगी। अजमेर दक्षिण से विधायक अनीता भदेल ने